देखने जा रहा हूँ ललित सौकिन फिल्म्स की वीडियो द मैड हाउस एपिसोड 2 महाभारत। ह्यूज फैन ऑफ ललित सौकिन वीडियोस, तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं, बेबी, वीडियो कॉल नहीं यार। अरे मैं किचन में हूँ ना, जलेबियां तल रहा हूँ। ओम करोना भाग जाए नमः। जो आज्ञा माता श्री, आपके आदेश का पालन होगा। योद्धा रिमोट टीवी चलाया और अपने पुत्र टिंकू को भी बुला लो। सारा परिवार बैठ कर महाभारत देखेंगे। अवश्य माता श्री। पुत्र टिंकू किधर है तू? एक मिनट बेबी। पिताश्री मैं लैटरिन में हूँ, गड्डी का अपना गई थी। शीघ्र ये कार्यक्रम निपटा कर बाहर आओ पुत्र। राजमाता ने तुम्हें महाभारत देखने के लिए आमंत्रित किया है। मैं प्रयास कर तो रहा हूँ पिताश्री, लेकिन मुझे थोड़ा समय लगेगा। मैं प्रकृति के हाथों विवश हूँ पिताश्री। एक क्षत्रिय को शौचालय में विवश होना शोभा नहीं देता पुत्र। जल्दी बाहर आओ। Did you see that माता श्री? क्रोधित रहो पुत्र पाले, एक क्षत्रिय का क्रोध शोभा नहीं देता। क्या क्रोधित रहो माता श्री, इसा क्षत्रिय पैदा कर दिया, सारी लैटरिन में बढ़ा रहे। अगर यो लैटरिन का गड्ढा भर गया तो इतिहास तो इसके लिए मुझे उत्तरदायी ठहराएगा। बहुत लज्जित हूँ मैं। कोई बात नहीं पुत्र, मेरी पुत्र वधु सुषमा को ही बुला दो, एटलीस्ट वो तो हमारे साथ महाभारत देख लेगी। पुत्र वधु? अरे तेरी बहु मुंडी शकल के कितने विवाह करने हैं कितने। अच्छा अच्छा, जो आज्ञा माता श्री। सुषमा जल्दी आओ, राजमाता ने तुम्हें याद किया है, महाभारत का समय हो गया है। मुझे नहीं देखनी कोई महाभारत वगैरह, मेरी फ्रेंड का फोन आया हुआ इंडिया से। डोंट डिस्टर्ब मी ओके? कोई बात नहीं पुत्र, ये कलयुग है, यहाँ पर तो भी ऐसी बुंडी पड़ेगी। अति श्री महाभारत कथा। और बता रीना, आज इतने सालों बाद तुझे मेरी याद कैसे आई? ए जी जी, वो तेरा फेसबुक पे साड़ी चैलेंज वाला फोटो देखा था, तू तो बड़ी ही सुथरी होगी अमेरिका जाके। ओह कम ऑन, कहना क्या चाहती है तू? क्या मैं पहले सुथरी नहीं थी? जी जी सच बताऊं तो हमारी सारी सहेलियां मैं ना सब तगुंडी तू है थी। हम तो नहीं सोचा करते तेरा ब्याह क्यों पर होगा। अरे हो तो गई ना, लेकिन और सबसे पहले शादी मेरी हुई, और वो भी इतने हैंडसम डॉक्टर पाले से। वो तो जीजू तो सही टाइम पे जेबीटी करेगी, तगड़ा रिश्ता हो गया। और मन में देख, मिस एमबी के चक्रा में पड़ेगी, और ब्याह हो एक पेट लेकर, जिसके शर्त पे एक बार नहीं गंजा मिस्टर माले। कोई बात नहीं बहन, मिस्टर पाले हो या मिस्टर माले, पति तो पति ही होता है। हाँ यह बात भी ठीक है। और बता तू, पाले तो ना पुष्कर आता होगा। क्या बताऊं बहन, पहले तो सब ठीक था, लेकिन जब से दूरदर्शन पे महाभारत आने लगी है ना, तब से हमारे घर का नाश ही हो गया। अच्छा इसलिए बात हुई जी जी? बस पूछ मत बहन, मेरी सास तो खुद को महारानी कुंती समझे बैठी है, और मेरे पति खुद को धर्मराज युधिष्ठिर। पुत्र माता श्री, स्टोन में घर में बात करते हैं, घर का हस्तिनापुर बना रखा है। आक्रमण मैं समय हूँ, क्या बताऊँ मैं बस। ए यो तो कुछ ना जी जी, मेरा लोग मान लेता शक्तिमान देखा है। कल छात पर तो पूछ दिया, अन्नू बोलिया उगूंगा। ओह माय गॉड, फिर कहीं चोट वगैरह तो नहीं आई? ना ज्यादा चोट तो ना लगी, बस थोड़े से कुल्ले डिग गए। वो एक कुल्ला है ना दाएं तो बाएं की तरफ सरक गया। पुत्र वधु सुषमा। चल यार मैं रखती हूँ, मेरी सांस बुला रही है, बाय। बाय जी जी, मैं भी मान ले की मालिश कर दू, वो कुल्ला ही वापिस बाएं तो दाएं की तरफ भी चलाना है। क्या हुआ मम्मी जी, तब से बुलाया जा रहे हो? बहुरानी टिंकू अब बड़ा चला है, उसके विवाह के बारे में कुछ सोचा? अरे मम्मी जी, अभी तो टिंकू शिक्षा ग्रहण ग्रेजुएशन कर रहा है। फिर भी प्रिय, जिस तरह की उसकी शक्ल है, विवाह चिंता का विषय तो है। सही कह रहे हो पुत्र, वैसे भी अब पाले बुढ़ा हो चुका है, राज्य को संभालने के लिए कोई राजकुमार तो चाहिए। हाँ सही कह रहे हो मम्मी जी, इतना बड़ा राज्य है, 150 गज का प्लॉट नजफगढ़ में, 160 गज का प्लॉट बहादुरगढ़ में, अब उनकी सीमाओं की रक्षा भी तो करनी है, सेफ गार्ड्स वगैरह। हाँ ये तो है प्रिय, प्लॉटों की रक्षा के लिए एक राजकुमार तो चाहिए। और उसकी ताई का बेटा ब्याह भी करना पड़ेगा, पहले जमाने में तो बिना ब्याह के बाढ़ हो जाए करते। What? ऐसा कब हुआ?
ए बेटी कुंती तय सूर्य ने बिना देखे इसा बढ़िया पुत्र दिया था करण। ओ यू मीन द सन सूर्य ने? और ये तो सूर्य भी क्या है दिल का ना रहा कोई पुत्र पुत्र ना देता मेरा काम फेंका। हाँ ये तो है मम्मी जी, घाम से नीरी टैनिंग हो जाती है और आजकल तो घाम इतनी तेज है डायरेक्ट सनरेज होठों में से निकल के मसूड़े काले कर देती है। हाँ चलो देखते हैं माता श्री, किसी आसपास के गांव में अगर कोई स्वयंवर हो रहा होगा तो चलते हैं टिंकू के लिए कोई सुंदर सुशील कन्या ढूंढते हैं। सुन ले रे पल्ले, ये पैसी माचड़ी बहू नहीं लाने बिल्कुल, इसी बहू लाने जो सारा घर का काम कर ले। कैसे घर के काम माता श्री? सबसे पहला उसने भैंस का दूध का लेना आना चाहिए। बेबी तुझे दूध निकालना आता है? हाँ और क्या, डेली फ्रिज में से मैं ही तो निकाल के देती हूँ सबको और कभी कभी तो मिल्कशेक भी बना लेती हूँ। अबे फ्रिज से नहीं यार। ओ अच्छा अच्छा वैसे निकालने की बात कर रहे हो, वो तो कल ही हुआ था। मैं गैस पे दूध रख के टिकटॉक बनाने लग गई और सारा दूध अपने आप निकल गया। अरे वो नहीं यार, मैं भैंस का दूध निकालने की बात कर रहा हूँ। हाँ तो मैं भी भैंस के दूध की बात कर रही हूँ, तुम्हें क्या लगता है हम बकरी का दूध पीते हैं? अबे यार अरे बहुना गोसे पात्र आने चाहिए, पति गोल गोल पूरे गांव भर का पटना चाहिए अगर बुड्ढा की पात्र बदुने गोसे पास के। बेबी तुझे गोल गोल गोसे पात्रे आते हैं? ओ काउडन केक्स ना, वो पातने की क्या जरूरत है, वो तो ऑनलाइन मिल जाते हैं अमेज़न पे 25 रुपए पर पीस। अबे ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करनी यार, मेरी दादी को ऐसी पहुंची है जिसको गोसे पातने आते हो गोल गोल। बेबी देखो हमने गोल रोटी बनाने के लिए रोटी मेकर लिया हुआ है, ऐसे ही हम गोल गोसे बनाने के लिए गोसा मेकर ले लेंगे। वाह। ओ सुनो सुनो मुझे एक आइडिया है, हम ना भैंस ही ऐसे राउंड राउंड बम्स की ले आएंगे जो हमें गोल गोल गोसे दे। प्रॉब्लम तो है। एक बात तो है बेबी, दिमाग का तो झोटा सा पछड़ रहा है। मम्मी जी आप बहू के सपने तो देख रही हैं, पर एक बार अपने पोते से तो पूछ लो कहीं उसकी पहले ही कोई गर्लफ्रेंड हो। नहीं नहीं ये तो कदाचित संभव ही नहीं प्रिय, जब उसके इतने हैंडसम पिताश्री को आज तक किसी लड़की ने भाव ही नहीं दिया तो टिंकू का तो कोई चांस ही नहीं। ये सुख हमारे खानदान के सौभाग्य में ही नहीं प्रिय। फिर भी एक बार उसे पूछ लो पुत्र। जो आज्ञा माता श्री। टिंकू उरे ना, चल चल मैं भी थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। आया पिताश्री। हाँ पापा। पुत्र एक बात बताओ, तुम्हारी कोई स्त्री मित्र तो नहीं? स्त्री मित्र? गर्लफ्रेंड बेटा, किसी स्त्री के साथ तेरा कोई संबंध तो नहीं है ना? नहीं नहीं दादी, स्त्री से मेरा क्या मतलब? स्त्री से कोई मतलब नहीं तो क्या तुम्हें पुरुष पसंद है पुत्र? ना 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 पापा, क्यों बात कर रहे हो, वो एक्चुअली है मेरी एक गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? अपने शस्त्र उठाओ पुत्र। नहीं जो आज्ञा माता श्री। मैं उससे ब्रेकअप कर लूंगा पापा, पैसे भी मनी वॉकर थी सूत्री ना लगती, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री। क्षमा कर दूंगे माताश्री, एक कछोर है वैसे अपना, अरे इस उम्र में थोड़ी बहुत घाट बात तो हो जाए। पुत्र मोह में मत पड़ पाले, अपने कर्तव्य का पालन कर, आक्रमण। जो आज्ञा माताश्री। मुझे क्षमा कर दो पिताश्री। बेस्ट वीडियो, फनी वीडियो, मस्ट वॉच। आई विल पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड वॉच द मैड हाउस एपिसोड 2 महाभारत। थैंक यू।